बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक ने अंतिम सांस ली है। इस दुखद खबर की जानकारी उनके करीबी दोस्त और एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं जानता हूं कि मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, लेकिन ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अनुपम खेर ने लिखा कि 45 साल की दोस्ती ऐसे अचानक पूर्ण विराम हो जाएगी। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश, ओम शांति। सतीश कौशिक ने 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। अनुपम खेर ने अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि सतीश तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि सतीश कौशिक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता थे। उनका जन्म 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था। बॉलीवुड में अपना ब्रेक पाने से पहले उन्होंने थिएटर में काम किया था। फिल्म अभिनेता के रूप में सतीश कौशिक को 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्में की जो जिन्हें बॉलीवुड में उन्हें अलग पहचान दिलाई। इसके अलावा उन्होंने 1987 में आई फिल्म में मिस्टर इंडिया के बाद 1997 में आई दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था। सतीश कौशिक को 1990 में राम लखन के लिए, 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो आपको बता दें कि अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा कंगना रनौत समेत कई अभिनेताओं ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बॉलीवुड से इस वक्त की बड़ी खबर, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है।